क्या बात है इसमत आरा, कोई लॉटरी निकली आई, कपड़े बाहर फेंक रही हूँ, क्या हुआ? परेशान मत हो, अब घर से गई तो वापस नहीं आऊंगी। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ इसमत आरा, वैसे खुदकुशी करा था क्या? खुदकुशी कराओ ना तुम अपनी अम्मा को। चलो गुस्सा थूक दो उधर मुंह करके, अभी फिलहाल मेहरू निशा का पता नहीं लग रहा, अब तुम भी ऐसा करोगी हैं? तौफीक हैदर, वैसे माफ करना, तुम मेरे ना हुए। भाई इसमत आरा, हम तो अपने ना हुए, अब माफ कर दो, तुम भी ऐसा करोगी, घर खाली करवाओगी क्या? खुश हो जाओ, मेरे जाने के बाद ना वो चुड़ैल जो है ना खुशनूद आ रहा, उससे शादी कर लेना। हाँ। अम्मी कहाँ जा रही है? पता नहीं बेटे, तुम पूछो, शायद तुमको बता दे, हमको तो पता नहीं। अम्मी जान किधर जा रही है? इस घर में ना हर कोई मुझे काटने को दौड़ता है, मैंने सोचा ट्रक के नीचे आके खुदकुशी कर लूं, कम से कम मौत तो सुकून से आएगी। भाई अम्मी, आपको पता है खुदकुशी करना हराम होता है। चलो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगी, मगर इस घर में अब रहती है मेरी जूती। तो जूती भी ले जाओ। इस घर से अब जाती है मेरी जूती। जूती जूती, पर जूती बहुत पसंद तुमको है? ओफो अम्मी, इनको छोड़े, इनको आपकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र है। आए मैं आपको अपने साथ लेके चलूं। बेटी बन के माँ बाप में फड्डा मत करवाओ। अबो, आज मैं सिर्फ अपनी अम्मी की बेटी हूँ। चले अम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में चले। तौफीक हैदर, तुम्हारी दुआएं अब काम नहीं आएंगी। अम्मी उठे ना, मेरे साथ चले मेरे कमरे में। इसमत आरा, ड्रामे बंद करो और अम्मा का एहतराम क्या करो। चलो, मेरा गुस्सा कपड़ों पर उतार रही हो। चांदनी, मुझे ले चलो, कहीं मुझसे कोई कत्ल ना हो जाए। ओ नहीं 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 अम्मी, ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया ना, आपको तो उम्र कैद हो जाएगी और अब्बू 2 मिनट नहीं लगाएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे। मैं भी देखती हूँ दूसरी शादी कैसे करते हो, मैं भी इधर ही हूँ, मैं भी तुम्हें बताऊंगी बेटा। बेटा 25 साल हो गए, सोच इसकी वही पहले दिन वाली है ना औरत की बच्ची, बेटा कह गई। नोट आ गया, आए हाय 20 रुपए ये लेके जा रही थी घर से। इसमत आरा कंगली, सारी तनख्वाह खा जाती है, रखती क्या 20 रुपए? चांदनी, चांदनी महबूब, कितने दिनों बाद तुमने मुझे आवाज दी। नानू ने कहा कि एक गिलास शरबत बना दो। शरबत क्यों? अरे वो आमिर बाबा है ना, उनके लिए। आमिर बाबा? कौन सा आमिर बाबा? भाई बाबा जो अम्मी को कोका से वापस लेकर आए। मैं ना इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती। तुम्हें यकीन करना है, करो, नहीं करना ना करो, लेकिन नानो का पैगाम है, जाओ शरबत बनाओ। महबूब क्यों मुझसे इतने दूर चले गए हो? महबूब फनकारियों को लगाम लगाओ और चुपचाप चांदनी से शादी करो, बस। प्लीज मुझे मीठा शरबत बना दे, नानो ने कहा है। एक दफा प्यार से कहकर तो देखो। बनाना है बनाओ, वरना भाड़ने जाओ। महबूब तो बहुत हो गया। महबूब तुम्हारी जो गरूर है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा, समझे? मेरा नाम ना चांदनी है, चांदनी। कई महबूब अभी मेरे पीछे आशिक हैं। ओए क्या बोल रही है चांदनी? अम्मी मैं तंग आ गई हूँ उसे। जाओ जाओ, शक्ल देखो अपनी जाकर शीशे में। तुमसे अच्छी तो फकीरनियां होती हैं, कम अज कम मोहब्बत को भीख में तो नहीं मांगती। ओ मेरी मोहब्बत को ना भीख मत कहना कभी भी, समझे? महबूब मियां, आज से चांदनी तुम्हें नफरत करके दिखाएगी। ओहो इधर हो, पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? पहले इतनी साजिश हो रही है, ऊपर से तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। मत देखो, जाकर शीशा देखो और डरो। शक्ल ना मेरी बहुत खूबसूरत है, तुम जेलस होते हो, मैं किसी फिल्म में आ जाऊं ना टॉप की हीरोइन बन जाऊं, बस मौका नहीं मिला मुझे। हाँ पता है, जानता हूँ मैं, बहुत बड़ी अदाकारा हो तुम, हर वक्त अदाकारी करती रहती हो। ओहो बहुत ही जज्बाती है भाई ये लड़की। महबूब उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जानता हूँ मैं। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ आराम से, मैं वो शरबत लाल शरबत बना कर लाती हूँ। बाबा बनाया, बाबा बनाया, बाबा बनाया आपने, मीठा पानी आ जाएगा, आ जाएगा। अरे इतनी देर में तो कोकाब से कस्तूरी दूध का गिलास आ जाता। तो क्या तू होम डिलीवरी मंगवा ली है? ए सलीम, मुझे तो ये बाबा ना सिलाई भी पहुंचा हुआ लग रहा है। सिलाई भी बाबा जी, मैरून निशा को जल्द से जल्द वापस ले आए। मैं तिलिस्माती जादूगर नहीं हूँ, कोकाफ के बड़े जिन से शादी हो गई है, बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी,
उल्लू भुल्लू खुल्लू खिल्लू अल्ले अल्ले मुंजा मारू वड़ा ओ मुंजा जोगी अड़ा ओ मुंजा ओ मुंजा ओ मुंजा ओ मुंजा ओ मुंजा ओ मुंजा बस कर अरे जल्दी बता मेहरुन्निसा आएगी के नहीं बता मेहरुन्निसा आएगी के नहीं कमबख्त जब तक मीठा पानी नहीं आ जाता अगर किसी ने अपना हाथ दिखाना है तो आगे ले आए अरे वाह वाह इल्मे नजूम में भी महारत है क्या बात है क्या करें अगर कोई खास बात हो ना तो ये कान में बता देना कान मान वाला चक्कर नहीं है हाथ दिखा और वो भी सीधा कर दे तुझ पर तो लड़कियां पागल है अरे ये इसकी सारी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इसकी सारी पागल गर्लफ्रेंड तेरे पे पागल होंगी अरे नानो आप बस करें अच्छा आप बताएं क्या मतलब मतलब ये कि पागल खाने की सारी लड़कियां तुझ पे ना दीवानी हो जाएंगी नो आप तो चुप करें आपको क्या पता इल्मे नजूम क्या होता है तुझे बड़ा पता है ना नजूमी के औलाद बहुत धोखे खाओगे बरखुरदार को सेब तो नसीब है नहीं जाहिर है धोखे ही खाएंगे खत्म हो गया अल्लाह माफ कर दे ये क्या कर दिया आपने फरमाइश की थी मीठे पानी की आया तो पी लिया पकड़ से चांदी 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 गजब हो गया क्या हो गया मम्मी बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत ही बुरी है क्या हो गया ताने तो ना दे चांदी मैं ना एक बाबा के पास तावीज लेने के लिए गई थी कि महबूब तुम्हारा दीवाना हो जाए वो मैंने शरबत में घोल के रखा था कि वो आमिल बाबा ने सारा पी लिया और जो बचा था वो उनका तोता पी गया है ये क्या कह रही है मम्मी मैं तो अब आमिल बाबा तुम्हारा दीवाना हो जाएगा मैं मर गई आप नहीं मैं मर गई आमिर बाबा चांदनी का आशिक हो जाएगा ऐसा मम्मी ऐसा बुराई क्या है पागल तो नहीं होगी होश के नाखून लो मैं होश में हूँ आप खुद सोचिए ना मैं पूप को तड़पाने का क्या मार्जिन मिलेगा मुझे है न जाने अब क्या होगा भाई आप टेंशन ना ले जो बोला था ना वो हो गया मुझे एक तरकीब आई है ऐसा करती हूँ आमिर बाबा को ना खौलता हुआ गर्म पानी पिला देते हैं ताकि उस तावीज का असर जाहिल हो जाए ओहो इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है अम्मा आप खुद सोचिए ना क्या मंजर होगा आमिर बाबा जाने के बाहर आ जाएंगे लाइफ में मतलब कुछ डिफरेंट ही हो जाएगा नहीं अक्कल के नाखून लो लड़की मैं ही जाके कोई हल निकालती हूँ मम्मी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है आप मत जाइए सर दबा देना तावीजों ने अपना असर भी शुरू कर दिए तुम पर तावीज का असर मुझ पे कैसे होगा वो तो आमिर लोगों को पिलाया था ना बेटा हर अमल का एक रद्द अमल होता है मुझे नहीं समझ आ रही है सारी बात बहुत दर्द हो रहा है सर तो बात है मैंने क्या कर दिया आमिर बाबा से मेरी बेटी का चक्कर चलेगा बाबा से तावीज लूंगी इसके तोड़ का भी क्या हो गया क्या क्रेडिट खत्म हो गया मेरे फोन से कॉल कर ले बड़ी बुरी फंस गई हूँ मैं इस वक्त मम्मी ये कोई मुश्किल थोड़ी यही तो शगल है अब आप खुद सोचे ना अखबार में हेडलाइन आएगी आमिर बाबा चांदनी की मोहब्बत में मुब्तला वाह वाह चांदनी तो हिट हो जाएगी मामला जैसी बातें करती जा रही हो तुम तो हमें बदनाम करके छोड़ोगी लड़की अरे नहीं माँ बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा अल्लाह माफ करे किस सेहरा से पकड़ के लाए हो इस प्यासे को शरबत पी लिया अब बताओ मैनुनिसा क्या रास्ते में फंस गई है अरे सौराब गोट से यहाँ पर आने में कितना टाइम लगता है और रणवीर सिंह की शक्ल वाले बात सुन ये बता कि मेहरुन्निसा आ जाएगी ना है और नहीं आई ना तो मैं तेरे ये जो बड़े बड़े कान है ना इनको खींच के और लंबा कर दूंगी अरे हम दावा करते हैं कि मेहरुन्निसा आपके साथ यहाँ बैठ कर खाना खाएगी ठीक है मैं आपको छोड़कर आता हूँ चले उठे चले तो चले बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला जरा हम अपना बैग उठा लें और ये जो बकाया सामान है ये दुकान पे पहुँचा दीजिएगा बाथरूम बाथरूम सलीम 1200 रुपए दिए है ना उसको दे दिए 200 और भी दे दे ठीक है वो सही से काम करे अच्छा जी जी जी
आमिलों को भी रिश्वत देनी पड़ती है तोबा। हो गया ना, भरोसा रखना चाहिए भाई। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, जेब गरम कीजिए। अरे जेब गरम कर दी तो कपड़ों को आग लग जाएगी, आपको भी। लगने दीजिए, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। महबूब मियां, इनका मतलब है कि पैसे दो। अबू 100 रुपए दे देते। 100 रुपए? मैं कोई फकीर नहीं हूँ, इतनी मेहनत करवाई और 100 रुपए? अरे फकीर नहीं हो तो अमीर भी नहीं हो, लेने लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, गुड बाय। लेकिन बाहर नहीं, अंदर। अभी जाकर आपकी वालदा को सारा किस्सा बनाता हूँ। आप तो बुरा मान गए। चलो 200 रुपए ले लो। पूरे 500 रुपए लूंगा। अरे भाई ये क्या बात है, तुम तो बदमाशी पे उतर आए हो। बदमाशी? अरे स्मोकी आई, मेकअप करवाया, ये 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 जाली मौका बनवाया, सिल्वर स्ट्रीकिंग करवाई और सबसे बढ़कर झूठ बुलवाया, और आप बोल रहे हैं बदमाशी। अरे झूठ का कौन सा बिल आता है भाई। महबूब मियां, आप पड़ों के दरमियान जुबान दराजी ना करें, आप अंदर तशरीफ ले जाएं। मगर अबू। अरे हम कह रहे हैं ना, आप अंदर तशरीफ ले जाएं। इसको बोले हमारे तोते को ना मारे। असल में खुशनूद आरा पे हमारा दिल आ गया, कुछ इसका इलाज हो जाएगा? इलाज हो सकता है, लेकिन अभी हमें इजाजत दीजिए 500 रुपए के साथ। अरे अरे 500 रुपए ये ले लो, पूरे 500। अपना फोन नंबर तो दे दो। हाँ 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 बिल्कुल मिलेगा, ये लीजिए, ये जो नीचे वाला जो नंबर है ना, यही व्हाट्सएप पे भी है, और वो जो गोल्डन रूफ में लिखा है ना, वो हमारा सैटेलाइट का नंबर है। कभी ये होता है कि नेटवर्क नहीं चल रहा होता ना, तो उस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं। चलो भाई हमारा काम तो हो गया। आमिल बाबा चला गया। अल्लाह चला गया। अल्लाह मियां, मेरी महरूम निशा को किसकी नजर खा गई? तुम्हारी लगी होगी, और किसकी लगनी है? अरे हट, कमबख्त नहीं तो माँ की नजर नहीं लगती। अच्छा अच्छा, ये बाबा दोबारा वापस तो नहीं आ जाएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, इसका तो आना जाना लगा रहेगा जब तक महरूम निशा मिल नहीं जाती। अम्मा जरा बच के रहना, आजकल ये आमिल बाबे जो है घर लूट कर चले जाते हैं, घर वालों को कानो कान खबर नहीं होती। आए मेरी तो दुआ है कि बस महरूम निशा मिल जाए तो मुझे सुकून आए। अम्मा भूल जाओ महरूम निशा को, और मुझे ही अपनी महरूम निशा समझो। अम्मा मुझे ही अपनी महरूम निशा समझो, भैंसे नहीं तो है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, महरूम निशा आ जाएगी। आए मेरा तो आधा किलो खून खुशक हो गया। अच्छा वो मैंने ना एक बात बतानी थी। बोलो। डर लग रहा है कहीं ये ना मेरी क्लास ले लो। अगर डर लग रहा है तो फिर ना बोलो। ओह बताना भी जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो मैं ना तावीज लेकर आई थी महबूब और चांदनी को मिलाने के लिए, वो मैंने शरबत में घोला और वो घुला हुआ शरबत जो है वो आमिल बाबा पी गया। लानत तेरी शक्ल। अब चांदनी और महबूब को मिलाने के लिए तावीजों की जरूरत पड़ गई है? तेरा मुंह काला हो, कमबख्ती मारी, ये क्या किया तूने? अब क्या होगा? अम्मा मेरी बात तो। अरे क्या बात, सुनो, तुझ में और खुशबू डारा में कोई फर्क नहीं है। अस्मत आरा, बहुओं वाला काम किया है तूने। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो क्या फरिश्ता समझू है? बहुएं जो करती है ना तावीज गंदे, वो किया है तूने। चांदनी भी कह रही थी कि उसकी बारात आमिल बाबा के साथ ही जाएगी। अरे सारा घर पागल हो गया है क्या? अम्मा तुम ही अब कुछ कर सकती हो। क्या हल निकालूं? तुम ना वो बाबा को यहाँ पर घर में आने से रोक दो। दादू जो है ना चढ़ चढ़ के बोलता है, अरे कौन रोकेगा उस दीवाने आमिल को? वैसे ना ये सारा कसूर तुम्हारा ही है अम्मा। हाँ सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दे। अरे कभी एहसान न मानना तुम लोग एहसान फरामोश लोग। अम्मा अगर तुम चाहती ना तो अभी तक महबूब की और चांदनी की शादी हो चुकी होती। अरे दफा कर,
शादी गई तेल लेने, ये बता के अब करें क्या, सोचने दे मुझे। हम एक और आमिर से तावीज निकलवाने थे। दिमाग ना खराब कर, अच्छा बहुत तूने दिमाग खराब कर दिया, जा जाके चाय बना के ला मेरे लिए, और सुन कुछ तावीज न घोल देना उसमें, कहीं मैं आमिल बाबा की दीवानी ना हो जाऊं। जा, तावीजें घोलने लगे हैं मर्दूद। हाय हाय, आप इस वक्त मेरी कमरे में क्या कर रही हैं? डर क्यों गई हैं? मैं कोई जेनते नहीं। इस कमरे में इस वक्त आप कर क्या रही हैं? तेरी मिन्नत करने वास्ते आई हूं, मान जा ना मेरे बशीरे लई। मेरी मिन्नत? ओहो, आप ना अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ हाय, ना करनी चांदनी है, ना तरोड़ मेरा दिल। बब, मैं कौन होती हूँ आपका दिल तरोड़ने मरोड़ने वाली? पर वेखे ना बशीरे नु तेरे गम विच ओ एडा तेरा गम उन्हें किया के उधर टिड्डी खराब हो गया। गंदी गंदी बातें करती हैं आप। रो क्यों रही है? हर मां रोंदी है जनू पता लग जाए कि उसका पुत्र मरण वाला। मरण वाला? ओ भाई, आपका पुत्र तो जिंदा है। पता नहीं कदों, आज नहीं तो कल उन्हें मर जाना तेरे गम में। भाई कोई फिल्म थोड़ी चल रही है मेरे गम में मर जाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप इतना तमाशा क्यों कर रही है? तमाशा नहीं कर रही, मैं तेनु दस रही मेरे अंदर किड्डा को गम कठा हो गया, उन्हें बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तेनु पता है मेरा पुत्र कल ना जहर की पूड़ी लेके आ गया सी, कहन लगा मैं खा के मर जाना चांदनी ने, मेरी परवाह नहीं। मैं डक दिता, मैं उन्हें क्या ना चांदनी ते तेरे गम में पागल हो जाएगी। देखे खुश रहे अपनी जिंदगी में, और हाँ जाते हुए लाइट बंद कर जाइएगा, ठीक है? ये क्या करी है? जूती पा रही है। तो ये मेरी जूती, अपनी जूती पा के जाए ना। हाँ मैं तो पाई दी है, फिटे मुंह है तेरा, पता नहीं की वेख्या मेरे मुंडे ने तेरे। देखिएगा जहर खा ही ले वो। रात नो सोंदे वक्त मेनू लगता है कि सारा घर घूम रहा है। अरे वो पूरी दुनिया जो घूम रही है तो घर भी घूमेगा ना। दुनिया किस पहिए ते घूम रही है? अरे ये साइंसदान कहते हैं। साइंसदान दा जो दिल करता है वो कह देंदे ने। अरे नहीं नहीं, वो तो तहकीक के बाद नतीजा निकलता है। बड़ी परेशान है, अल्लाह जाने की बढ़ना। हाय अल्लाह, चांदनी ने तो साफ इनकार कर दिया। अरे सासू माँ, आप चांदनी की जान छोड़ दें। हाँ, और बशीरा के लिए ना कोई और लड़की पसंद कर ले। क्यों? चांदनी नु हीरे लगे हुए ने, हुण ते प्रादी शादी होवेगी ते चांदनी नाल। अरे पीनो, बातों में शादी नहीं हो जाती। हां रफाकत पुत्र, तू गल कर ना जमानी नाल, तेरी ते फूफी है। अरे ना ही पूछे। हां उनके मूड और इस मुल्क की सियासत कब बदल जाए इसका कोई इल्म नहीं। रफाकत जी, अगर बशीरा भरा दी शादी होवेगी ते मैं नाल रवांगी, वरना मैनू तलाक दे दियो। ए की बोले जा रही है तू? भरा लई तलाक दी कुर्बानी तो दे ही सकनी आ। अरे ये कुर्बानी नहीं, बर्बादी है। हां हाय हाय, मैं तो चलनी आ किधरे, तलाक ही ना हो जावे भाई। तौबा तौबा। कमरे में कोई और भी है? अब रो
ओए पैर मत दबाओ। कमरे में कोई है गुप्तू। तुम्हारे हाथ हमारे पैर को दबा रहा है इस बार। हमारे पैर को दबा रहा है भाई। अरे देखो कोई है, मैंने कहा ना कोई है कमरे में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। अम्मी अम्मी अबू हो गया दोनों को। तो पहले तो कभी भी ऐसे नहीं बेखबर सोए। तो लेकर आती हूँ कमरा, अभी मजा आएगा। सलीम मियां तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहाँ है अब तुम्हारा वो फिराडी आलिम बाबा। वालदा माजदा हमसे गलती सरजद हो गई, हम बहकावे में आ गए। उस आमिर ने तो हमारी इज्जत सारे बाजार रसवा कर दी। ये ज्यादा गाड़ी उर्दू मेरे ऊपर झाड़ने की जरूरत नहीं है कमबख्तो। तुम सब ने मिलके मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। आप हमें गलती के सांचे में ढाल रही हैं, खुशदामन साहबा। अरे नसीब जब तुझ कमबख्त से ब्याह दिया, इससे तो अच्छा तक हमारी घर में बैठी रहती बदबख्त। दादो दादो आपको ना एक बहुत जरूरी विजिट पर लेकर जाना है। अरे अब तो मौत ही की विजिट रह गई है, वही ले जा बस। दादो आपका अंदर जाना बहुत जरूरी है। क्यों मेरा क्यों अंदर जाना जरूरी है? इस वक्त मेहरून निशा का यहाँ वापस आना जरूरी है। अम्मा हुजूर हमें इत्तला मिली है कि कोकाफ में वक्त रुक जाता है। क्यों वहाँ वक्त को क्या फ्रीजर में रख देते? दादो अभी आप मेरे साथ अंदर चले। एक मिनट को रुक। ए सलीम मियां अगर मेहरून निशा न मिली तो तेरी रोटियाँ भी इस घर में खत्म। हमें रुसवा न कीजिए खुशदावन साहिबा, हमारे आबा अजदाद की रूहें ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सलीम मियां तू जिसकी जबान बोल रहा है ना सब अच्छी तरह समझती हूँ, तेरी गुद्दी से नोच लूंगी तेरी जबान, समझा तू? तो मैं कह रही हूँ आपको अंदर जाना बहुत जरूरी है अभी। अरे एक मिनट को ठहर, इससे जरा मुंह लगने दे मुझे। बात सुन अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो तुम दोनों बाप बेटी की FIR कटवाऊंगी कमबख्तो। मेरे घर को दीमक की तरह चाट गए हो तुम लोग। हमारा नहीं तो हमारी बीमारी का ख्याल कीजिए खुशदामन साहिबा। अगर हमारी बीमारी को इल्म हो गया कि हम जेल हमारा मुकद्दर बन रही है तो ये बीमारी हमारी जान ले लेगी। अरे जा लेट जा जेल में कमबख्त, ये डरामे अब मेरे साथ नहीं चलेंगे, बहुत कर लिए, मर जा जेल में जो भी बीमारी है तुझे कमबख्त मारे। हमारा ख्याल है इस वक्त आप पर शैतान सवार है गुलदामन साहिबा, और वो आपको बहका रहा है कि अपने नेक सिफत दामाद पर इल्जाम लगा दो। बस बस रहने दे, बड़े ड्रामे हो गए। अच्छा चल चांदनी। एक चिल्ली के फार्मूले नाकाम हो गए, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्या हो गया इनको? ओ दादो जरा ये देखे तो सही कैसे बड़े हो रहे। तू खुद इन्हें शराफत से उठा वरना ये जूते देख रही है ना इन पे बरसा दूंगी कि अभी खुद उठ के बैठ जाएंगे। दादो ये क्या हो गया है? अब अच्छा मुझसे पूछ रही है क्या हो गया इनको? मर तो तू रही थी कि अम्मा अब्बा मर गए, जा पानी लेके आ, मेरी शक्ल क्या देख रही है? उठ दादो। कैसी माँ है और कैसी सास है, यहाँ पर ये लोग बेहोश पड़े हैं और आपको पानी की पड़ी हुई है। मैं मर्दूर अपने लिए नहीं मांग रही, इन मुर्दों के लिए मांग रही हूँ। लेके आ इन पे डालूंगी पानी, होश में आएंगे कब। बुकी जा। वाह वाह दादो वाह, बेवकूफ बनाने की भी हद होती है, बेहोश लोगों को कोई पानी कैसे पिला सकता है? अरे बेवकूफ लड़की पानी का जग लाएगी तो मैं इन पे छिड़काव करूंगी, उठ जाएंगे। ये तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, जा जल्दी पानी लेके। ओह सॉरी मेरा ना उस तरफ दिमाग ही नहीं गया। अच्छा चल दफा हो जल्दी जल्दी कर। ये देखें दादो आपने पानी का जग मंगवाया था और मैं पानी की गन ले आई हूँ। ये अंग्रेजी पानी लाने को गिलास में काटा, ये क्या उठा लाई है तू? मच्छर मार लगा है क्या मुंह पे? मैं बेटे मैं भी तो आया हूँ, होश में क्या हो गया? अबू मैं यहाँ कैसे आ गया? इस कदर मनहूस लोग हो ना तुम दोनों, कैसे उठ के बैठ गए देखा तुमने? ओहो तौफीक हैदर मेरे तो सर में बहुत ही दर्द हो रहा है भाई। अरे हम मर तो नहीं गए थे, और अम्मा के होते हुए सुकून से मरने का इशू भी नहीं है। कम्बा सबसे ज्यादा मैं परेशान थी और ये पानी भी मैंने मंगवाया। अरे रहने दो अम्मा,
अरे अगर मैं छोड़ देती ना तो कोकाब की परियां इस वक्त तुझे नोच रही होती। यार कहीं तो सुकून मिलता। अच्छा तो तुम्हें सुकून चाहिए। अब अम्मी दादो, वाह वाह क्या सुपरमैन वाला काम किया आपने है, दो मिनट में यूं गई हो मेरे माँ बाप को कोकाब से वापस ले। अरे दुआएं दो वापस आ गए, वरना ये तो तेरी माँ है ना मनु, से तो जहन्नम में ही होती, जिन मार रहे होते। अबू नानो अम्मी को बहुत चाहती, तू ऐसी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि अम्मी अब वापस नहीं आएंगे। आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे, कोई फिक्र ही नहीं है आपको। नानू कानों से पकड़ के बाहर निकाल देंगी हमें। महबूब मियां, हम अपनी इज्जत का जनाजा मजीद नहीं पढ़वा सकते। हम सोच रहे हैं हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। पूछ कर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे रुसवा होके कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अबू आप फिक्र ना करें, आपका जवान बेटा भी जिंदा है। और ऐसी बात का तो रोक खाया जा रहा है कि जवान है लेकिन जलीलों वाली हरकतें। वो ये क्या कह रहे हैं आप? मानते तो हम तब आपको जब जमानी बेगम और चांदनी आपके पांव धो धो के पीती। अरे वो क्यों पांव धोएंगी? रहने दीजिए महबूब, अफसोस तो ये है कि ना तो आप अदब से मुंसलिक हुए ना ही जिंदगी के पेचोखम समझ पाए। अब वो आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। जान के लाले पड़े और आप अपने बाल सेट कर रहे हैं। हाँ, सब समझते हैं हम। आप तो चाहते हैं हम अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें और जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम पाएं। जन्नत के मुखालिफ भी एक जगह है, आप वहाँ पे भी आला मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। आपके इरादे और नियत आपकी जुबान से टपक रही है, आप हमें जहन्नुम की दुआ दे रहे हैं। अरे जहन्नुम की दुआ नहीं होती, बददुआ होती है। आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं आपको क्यों दुआ दूंगा? रहने दीजिए, आपकी वालदा माजदा हमें कर्ब की हालत में छोड़कर चली गई, आपसे तो कोई तवक्का रखना ही बेसूद है। महबूब मियां बेटे, मैंने ना वो आलू कीमा बनाया था, मैंने सोचा भूखे होगे तुम लोग तो मैं ये दे आऊं। नहीं है सलीम मियां के मुंह पे क्या हुआ? पसीने में शराबूर है, बल्कि गुस्से में शराबूर है। क्या बकबक कर रहे हो सलीम मियां? दुख को दिल में ना पाले, हमारा दुख भी बराबर का ही है। क्या मतलब? अब वो सलीम मियां अगर दुखी होंगे ना तो चरिन परिंद आस पास के सब लोग दुखी होंगे। हम एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। ये शर्मा कर क्यों गई है? घर मुकाने वाला मैं तुझे मुका दूंगी। देखो इन्हें प्यार से गुस्से नाल कौन रिश्ता मंगता है। मैं मर गई, ले ढूंढ ढूंढ के मैं मर गई जुत्ती नू, ते चोरनी ते इत्थे बैठी है। खबरदार जो मुझे चोरनी का, तू होगी चोर के खानदान की। तू जाती है या तेरे सर पे डंडा मारूं? हैं तुसी रिश्ता दे दियो, जिद ना करो। और नहीं दूंगी रिश्ता। बढ़िया ही, महबूब से चांदनी की शादी होगी, बस बस रहने दो। महबूब से मेरा आशिक है। अरे चल चल, ये जवानी की बातें होती है, इशक विशक कोई नहीं, एम फिलर्ट कर रहा है वो। बहुत आ गई, तुम लोग जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अच्छा साडा नौजवान की जवानी में भुटक गया है। अरे ये सारे जवानी के खेल होते, इशक वो चांदनी से ही करता है, समझी? बढ़िया ही नहीं तो, और तू काय को बैठी हुई है? चल निकल इधर से, चल उठ। आज ढीठ कहीं की उठती है या? उठ यहाँ से, उठ यहाँ से, उठ। चल चल, क्या चल छाक जा। अरे कम बखत, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? है क्या कर रहे हो मनहूस? अरे रिश्ता ऐसे मांग रही है, रिश्ता मांग रही है। जमान तेरी जान खतरे छे, तू रिश्ता दे रहे सानू। अच्छा तो बात सुनो, रिश्ता दूंगी मगर एक शर्त है। शर्त बोलो, सब मंजूर है। अच्छा सोच लो। सोच लिया, शर्त बोलो। शर्त ये है कि पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म कराओ और चांदनी को ले जाओ। हाँ एक ही शर्त हुई। अच्छा शर्त तो शर्त होती है, एक ही शर्त क्या मतलब है? यही है मेरी शर्त, मंजूर है? ओ बे 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 बे, मैं तो बिजली का मीटर भी नहीं ठीक कर सकता। सानू ए शर्त मंजूर है। तो फिर शर्त मंजूर है? ओ बेबे ये शर्त कभी पूरी नहीं हो सकती, चांदनी के बच्चे भी हो जाएंगे। बेबे ठीक कह रही है। अच्छा ए तो फिर ठीक है,
फिर मैं पूरे पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म करवा दूंगा। बशीरा नाम है मेरा। चल निकल, खत्म कर देगा ये तेरा बावला लड़का जो है ना, इसकी अपनी लोड शेडिंग हो रही है। ये शहर की क्या लोड शेडिंग का था, ये किधर से पकड़ा है तूने? ये क्या कर रही है? निकल, हमारी चप्पलें ढूंढ रही है, चल यहाँ से। दूजी का चप्पल ले। अरे दूजी पूजी की बच्ची, निकल इधर, दफा दफा दफा। तू ऐसे नहीं मानेगी, आ जाते हैं जूतियाँ खाने, निकल यहाँ से। बस नहीं तो झुमकियाँ लटका के आगे, लोड शेडिंग खत्म करूंगा। चल खत्म कर ली तूने लोड शेडिंग। अच्छा अब समझ आई, रात को जो हम बेहोश हुए थे दरअसल वो परी तुमसे मिलने आई थी। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ। शाहरुख खान को छोड़ो, उससे अच्छा तो हमारा फवाद खान। तुम्हारी मान ली मैंने। तौफीक हैदर, मानने शानने से कुछ नहीं होता, पहले परी का चक्कर बताओ। अच्छा अच्छा, अगर मैं सच सच बता दूं तो बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं सच सच बताओगे तो नहीं मानूंगी, थोड़ी देर के लिए हम खामोश हो जाएंगे। वो असल में जो जिन मेहरुन निसा को ले गया ना, उसी जिन की बहन है। क्या यानी कि दोनों बहन भाई ने अपना टांका इसी घर में फिट कर लिया? देखो सच सच बता दिया मैंने। अच्छा तौफीक हैदर, तो तुम अब रात को ख्वाब में उस परी से मिलोगे? मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। देखो अगर तुमने मुझे तंग किया तो वो परी तुमको मार देगी आगे। मुझे डरा रहे हो? डर गई? मेरे नसीब, तुम्हारी बात का यकीन किया, मेरे तो सारे अरमान पानी में बह गए हैं। पानी में कश्ती बहती है, अरमान नहीं। तभी कहते चुप कर जाओ, मैं भी गुस्से में हूँ। इसमें तारा अगर तुमने मेरा ख्याल ना रखा मैं कोकाफ चला जाऊंगा। कोकाफ? आप तो मेरे सर का ताज हैं, आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान। अच्छा चलो मर के दिखाओ। जी अब आप इस मासूम सी लड़की का इम्तिहान लेंगे। हमें यकीन है उस इम्तिहान में भी तुम्हारा अंडा आएगा। है अंडा? अरे उस इम्तिहान में भी फेल होना तुम्हारा मुकद्दर होगा। हमें मालूम है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। लो बेटे तुम्हारी माँ जो है खुद की जान लेने पे तुली हुई है, मैं जिम्मेदार ना होऊंगा। अम्मी या अबू क्या कह रहे? बेटे अब तुम्हारी माँ जो है हर सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही। अब रहने भी दीजिए, अब कितना और जलील करेंगे। चांदनी बेटा एक परी ना तुम्हारे अब्बू पर आशिक हो गई है। कि क्या हो रहा है, हर कोई ये परी जनों की क्या बातें चल रही हैं? चांदनी चांदनी मैंने रात को खुद देखा है, सारी रात तुम्हारे अब्बा ना कोकाफ में रहे हैं और सुबह अपना मुंह उठा के घर वापस आ गए। कोकाफ ना हुआ औरंगी टाउन हो गया। बेटे अपनी माँ को खिलाओ अकल के बादाम, मैं चला। निकल गए हाथ से। इन बातों में पड़ गए। सलामन लेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या उठा लाया, ये दो दो वाकर क्यों लाया है? अच्छा एक में तू बैठेगा, एक में तेरी बीवी है ना? अरे दादी मेरा मतलब है उफो, वो मेरे जुड़वा आने वाले हैं ना। हाँ पहले इस घर में अफराद कम है जो अब तुम्हारे जुड़वा बच्चे भी शामिल हो गए। अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ वो मैं कह रहा था कि गलत इल्जाम न लगाना। अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये बातें। अरे मैंने कब इल्जाम लगाया आप पर? आज तुम ही तो कह रहे हो मेरे मुंह की बात छीन, मैंने कब छीना है तुमसे? तुम्हें इतने दांत निकालने की क्या जरूरत? अरे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बात सुन, ये हम बोल के ना मुझे भी शामिल ना कर अपने साथ। आ रहा है हम मैं रफाकत, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दे। हा? और हाँ अपनी बीवी को समझा दे, खुद तो शादी करके बैठ गई है ना आराम से, चांदनी की शादी में रोड़े ना अटकाए, समझ गए? अरे उसने आप क्या कर दिया तीनों ने? हाँ अरे आ गई अपनी अम्मा के साथ डराने धमकाने। अरे आप फिक्र ही ना करें, इस घर में अगर हुक्म चलेगा तो सिर्फ आपका। हाँ ये कह के तूने मेरा दिल खुश कर दिया। कभी कभी लगता है कि तू मेरा खून है। अच्छा चलता हूँ। हाँ
बात सुन, इधर 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 बात सुन। देख, बच्चों की पैदाइश से पहले अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ ले, ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ। अरे इस शहर में आपके अलावा हमें कौन मोहब्बत देगा? अरे अरे, अपना खून था तो इतना कर लिया, अब तेरे पूरे इज्जत को तो मैं नहीं संभालूंगी ना। अरे अब आप मरहूम को कहते थे कि खुदा के बाद अगर कोई जमीन पर है ना हमसे मोहब्बत करने वाला तो वो है मेरी बहन। अरे अब तो बुलवाना ही पड़ेगा उन्हें कि आकर देखें क्या सुलूक हो रहा है हमारे साथ। अरे बस 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 कर दो, भाई साहब के हम पे बड़े एहसान। अरे मतलब हम सब यही रहने वाले हैं ना? क्या कहा है? अरे बेशक तुम 1,00,000 रुपए किराया दो, यहाँ नहीं रहोगे, समझ गए? उर्दू बोल रही हूँ, फारसी नहीं बोल रही। अरे आने वाले बच्चों की दुआएं ले लें। बस बस, बहुत दुआएं ले ली, अब थोड़ी सी बददुआएं भी हो जाए तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। अच्छा मर्जी है, एक बात बतानी थी। खैर हाथ छोड़े आप। अब तो बतानी पड़ेगी। अरे अब बुरा मना आ जाएंगी रहने। अरे बता ना कमबख्त, क्या बात है बता। अरे आप पहले कसम खाएंगे आप बुरा नहीं मनाएंगी। चल तेरे सर की कसम नहीं दे। अरे पहले आपने सर की कसम खाए। हाँ अच्छा चल मर्दू, मुझे मेरी जान की कसम नहीं बताऊंगी। बस वो आपको लुड़काने की ना साजिश हो रही है यहाँ पर। अरे फाकर, ऐसे मजाक के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा अरे झूठे पर कोयले की राख। हाँ अरे झूठे पे अल्लाह की लानत तो सुनी, ये झूठे पे कोयले की राख ये तो पहली दफा सुना है मैंने। अरे साजिश भरपूर हो रही है। कौन कर रहा है ये साथ? मुझे भी लगा कोई खिचड़ी पक तो रही है। अरे सवाए मेरे साथ इस साजिश में शरीक है? अरे अच्छा है, वक्त से पहले मर जाऊंगी मगर ऐसे नहीं मरूंगी। अरे मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। बात ये चांदनी भी शामिल है क्या? अरे वो चांदनी तो तरकीबें बता रही थी कि आपको कैसे है। अच्छा तो फिर बता इस खबर की जजा क्या मांगता है? अरे इस घर में पना बल्कि रिकॉर्ड करा दे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया मैंने। आई रिकॉर्ड? तू मेरी जबान पे भरोसा नहीं है क्या? अरे आपकी जबान पर तो यकीन है, लेकिन इस घर के रहने वाले ना अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ चल ठीक है, बटन ऑन कर, चल जल्दी कर। मैं जमानी बेगम बहोश हवास ये बयान रिकॉर्ड करा रही हूँ कि ये जो है ये जिसका गियर फंसता है क्या रफाकर, रफाकर सारी जिंदगी इस घर में रहेगा। अरे अरे वो मकान का नाम तो ले लें। हाँ सारी उम्र जमानी मंजिल में रहेगा, और पते की बात अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी रफाकत पे हो। अरे ये आखिर में क्या कह दिया? अरे भाई हिफाजत तो अब तुम करोगे।